सो हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस. तो मैं डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन दे रही थी कि डॉक्टर साहब हैज बीन एन आयुर्वेद एक्सपर्ट, अ डॉक्टर फॉर द लास्ट 46 इयर्स. ये जो जनरेशन से इनका परिवार, दे हैव बीन स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा, दे हैव बीन डॉक्टर्स, एंड इट्स अ प्राउड प्रिविलेज कि चरक फार्मा की तरफ से कोफॉल सीरीज में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे आज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस and how it affects our immunity. It's a very, very important issue to be discussed in today's time. Dr. Sahab, before we have any further net problems, hum seedhe topic pe utar jate hain. Stress aur anxiety ko hum kis tarah se pehchane? Sabse pehle, kisko hum kehte hain stress? Ma'am, actually, stress jo word hai na, iska matlab ye hai ki ye ek बॉडी का हमारा स्वाभाविक एक रिएक्शन है टू सर्टेन डिमांडिंग सिचुएशंस. यू कैन डिफाइन स्ट्रेस दैट वे, क्योंकि स्ट्रेस की और कोई परिभाषा नहीं है. इट इज मोर ए फीलिंग विच इज फेल्ट रेदर देन डिस्क्राइब्ड. किसी डिमांडिंग सिचुएशन में हमारा माइंड और बॉडी जिस प्रेशर से गुजरता है उसके रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेस कह सकते हैं. और हमारे बीच हम जब अपने लोगों के साथ रहते हैं और आज के दौर में जो स्थिति चल रही है पूरे देश में, कहीं से कोई ढंग की खबर तो आती नहीं है. एंड इट अफेक्ट्स एवरीबडी, वेदर उनके घर में कोई अफेक्टेड है या नहीं है, लेकिन आसपास इतना कुछ हो रहा है कि नो वन्स अनअफेक्टेड. तो कुछ लोग तो इसे हैंडल करके चलते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो नहीं हैंडल कर पाते हैं और उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि उन्हें क्या हो रहा है. तो आसपास के परिवार वाले कैसे पहचाने कि हमारे साथ जो ये शख्स है, ये मेंबर है, ये इस वक्त एंग्जाइटी से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, इसकी पहचान क्या हो? मैम, स्ट्रेस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, जो जनरली हम सब लोग उस दौर में से गुजरते हैं. सपोज आई हैव टू कैच अ फ्लाइट टुमारो एट 5 AM, तो मैं रात को उसके लिए तैयारी करके सोऊंगा. पहले मैं टैक्सी ड्राइवर को भी कहकर सोऊंगा, तो मैं अपना अपने आप को उस तरीके से प्लान करूंगा. पॉजिटिव स्ट्रेस जो है, इट मेक्स यू ड्यूटी बाउंड, इट प्रिपेयर यू, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्ट्रेस. मैंने आज सुबह पेरेंट्स की मीटिंग में जाना है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूंगा. पॉजिटिव स्ट्रेस एक ड्यूटी बाउंड और आपको डिसिप्लिन बनाता है. लेकिन वही स्ट्रेस जब प्रोलॉन्ग, कोई ऐसा स्ट्रेस हो जो नेगेटिव स्ट्रेस हो, वो आपको प्रोलॉन्ग चले, तो आपके माइंड बॉडी इमोशंस जो हर लेवल के ऊपर आपको एक नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है. तो हम जो मेडिकल स्ट्रेस है, हम उस स्ट्रेस की बात करेंगे. जी हाँ, तो वो जो स्ट्रेस है वो हम कैसे पहचाने? जब हम एक परिवार में रहते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जो है, वो स्ट्रेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये स्ट्रेस है और यहाँ पर हमें एक डॉक्टर के इंटरवेंशन की जरूरत है, या हम कौन सी ऐसी दवाई दें, या क्या वो, व्हाट इज द सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई? तो बेसिकली इसके आपसे ये पूछना चाहते हैं कि स्ट्रेस के जो लक्षण, साइन, सिम्टम्स क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस. राइट, देखिए जो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल, दो तरह का स्ट्रेस को हम लेंगे. एक तो स्ट्रेस आपको वक्त ब वक्त आपको आया, एंड अनदर इज स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटीज जो स्ट्रेस को पकड़ती है. स्ट्रेस उनको नहीं पकड़ता, वो स्ट्रेस को पकड़ती है. अच्छा. आपने स्ट्रेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यूजली स्ट्रेसफुल पर्सन हम को सबसे पहले कंप्लेन करते हैं, दे हैव हेडेक, दे हैव ट्रबल इन स्लीप, दे हैव मसल पेन, माइल्जिया रहता है, और डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं. कईयों को भूख कम लगती है, कईयों को भूख ज्यादा लगती है, इरेटिक जो उनका बिहेवियर होता है भूख का, और जो बॉडी माइंड की जो रिक्रिएशनल ड्राइव है वो खत्म हो जाती है. अच्छा. और ब्लड प्रेशर इश्यूज साथ आते हैं. स्ट्रेस में लो बीपी भी हो जाता है, स्ट्रेस में हाई बीपी भी हो जाता है, बहुत लोग आते हैं हमारे पास. जी, तो स्ट्रेस एक मैं तो ये कहूंगा मैम कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ बॉडी वेयर स्ट्रेस कैन नॉट हैव इट्स बैड इफेक्ट. It affects all system of your body. तो ऐसे जब symptom patient लेके आता है, तो हाँ जी बोलिए. हाँ, तो मतलब
अगर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो बार बार सर दुखना है और ये सब हो रहा है, इसमें हम इमीडिएटली उस पेशेंट का किस तरह से ख्याल रखें, किस तरह से इसको हैंडल करें कि ये बढ़े नहीं? राइट, आई एम ऑडिबल आई थिंक? यस यस, यू आर ऑडिबल। तो सबसे पहले तो ये है कि जिसको स्ट्रेस है, जिस पर्सन को स्ट्रेस है, उसके फैमिली वाले भी उसको वॉच कर रहे होते हैं या दोस्त उसके करीबी लोग भी उसको वॉच कर रहे होते हैं, जो रेगुलर उनको मिलने जा रहे हैं, लोग जान लेते हैं कि ये आदमी ही और शी इज स्ट्रेस। और उसमें फैमिली की सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी माने रखती है। जब कोई आदमी स्ट्रेस होता है उसकी हम इवन बॉडी लैंग्वेज से हम पता कर लेते हैं जब लग जाता है कि उसको स्ट्रेस है। जी, तो सबसे पहले जिसको स्ट्रेस है He should reach out for help, चाहे घर में किसी का हो, चाहे क्लोज फ्रेंड सर्कल हो, और अगर नहीं ऐसे कुछ नहीं है तो मेडिकल एडवाइस ली जा सकती है स्ट्रेस के लिए। क्योंकि देखा यह जाता है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की प्रॉब्लम लेके आए हैं, हम एग्जामिन करते हैं और बाकी चीजें देखते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, एडवांस डायग्नोसिस के सारे टूल्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसके बाद भी पेशेंट को अगर वो प्रॉब्लम चल रही है तो फिर अगर हम मरीज को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो देन ही रिलेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो स्ट्रेस उसके पीछे होता है उसकी। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं, एंग्जाइटी इंड्यूस्ड हैं। तो आजकल के दौर में जब कोई सुबह से शाम तक हम को अच्छी खबर सुन ही नहीं पाते, एंड वी आर ऑल्सो अक्रॉस आवर कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब वी आर सीइंग नियर्स एंड डियर्स समटाइम From their side, we are getting bad news or like that. We are watching TV और जो भी आजकल आ रहा है उसके ऊपर, तो naturally कोई भी मुझे लगता है आदमी ऐसा नहीं जो stress से आजकल अछूता रह रहा है। जी, कोई भी नहीं है। जी, तो जब stress आपकी day to day life को affect करने लगे, आपके thought process को affect करने लगे, आप में negativity बढ़ने लगे, आप में आपके mood variation आने लगे, आपने आप एक डिप्लीटिंग मोड पे चले जाओ जब आप, तो दैट इज अ टाइम टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस एंड टेक रीच आउट फॉर हेल्प। जी, दैट इज अ टाइम। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हम ले लेते हैं इस बीच में जो इससे बिल्कुल ताल्लुक रखता है। अंकित कुमार अरविंद पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इसे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, इस वक्त कैसे अपने आप को रखा जाए? राइट, ये अपने आप में एक बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस को इस कोरोना पीरियड में कैसे हम मैनेज रखें। मैं तो पहले ये कहूंगा कि आप कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव न्यूज चैनल्स। मैं आप सब लोगों को यही कहता हूँ इसके बारे में, बिकॉज न्यूज चैनल एंड न्यूज पेपर आर योर मूड सेटर्स। मॉर्निंग आप जब न्यूज पेपर देखते हो वो आपको मूड को सेट करते हैं आपको। When you find all negativity, जिस दिन छुट्टी होती है अखबार नहीं आता 26 जनवरी, अगले दिन आप अपने आप को रिलैक्स नहीं पाते क्या? मैं तो बहुत रिलैक्स पाता हूँ अपने आप को। तो उसके बाद पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, हाउ वी आर फाइटिंग दैट कोरोना। हम हमारा देश सारा एक साथ उठकर वैक्सीन और बाकी सारी तैयारी हमारे देश की हो रही है, तो हम लोग बहुत उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, लेकिन ये दूर है कि जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, लोगों की जॉब लॉस हो रही है, लॉकडाउन लग रहा है, रोजी रोटी का मसला है, बट ये एक टेम्परेरी फेज। और ये भी सोचिए कि जी वो प्रॉब्लम सदियों में एक बार आती है, कभी वी आर पासिंग थ्रू दैट फेज, और हम भरोसा रखेंगे, ब्रेवरी रख के इसका मुकाबला करेंगे, तभी हमारा देश इससे पार उतर पाएगा। क्योंकि जिन देशों में मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा था। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हमारी जब कुछ दिनों पहले बात हो रही थी तो आपने एक बहुत अच्छी एक बात रखी थी सामने, जो हेलो ये कि इंसान जब ऐसे में जब घर में बंद हो, आपको आवाज आ रही है? अभी बीच में डिप होती आवाज सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने ये बात बताई थी कि जब हम लोग आजकल घर में सब बैठे हैं, कैद बैठे हुए हैं, जहां पे किसी चीज का कोई रूटीन नहीं है लाइफ में, हर चीज अपने हिसाब से हो रही है। ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम इज अनदर स्टोरी, बट फिर भी चीजें थोड़ी बिखरी हुई हैं। तो आपने कहा था रूटीन का जिंदगी में लाना right. बहुत मदद करता है, अपने आप को रूटीन में डालें, तो उस पर आप थोड़ा सा और कुछ कहेंगे प्लीज सबको? हाँ मैम, ऐसे है बेसिकली जो आयुर्वेदिक जो थॉट प्रोसेस है वो सारा तीन चीजों के ऊपर ही चलता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जिसे हम कहते हैं, कि
आपका जो डेली रेगुलेटिव जो रूटीन है वो ठीक होना चाहिए. सुबह अगर ये नहीं कि आप अगर लॉकडाउन लगा हुआ था काम के नहीं जाना तो आप सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं, इट शुड नॉट बी देयर. रेदर उसकी प्रॉब्लम उसके साथ और बढ़ जाएंगी आपको. आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो नेचर की मास्टर क्लॉक से मिली होनी चाहिए. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, हैविंग योर मील्स एट प्रॉपर टाइम्स. और अगर आपको होम वर्क फ्रॉम होम है तो फिर आप तो काम में बिजी हैं. लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं है, दे कैन हैव चूज एनी हॉबी, रिक्रिएशन एक्टिविटी, कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो इस सारे चक्कर में मैं ये मानता हूँ कि लेडीज का काम जरूर बढ़ गया है, जेंट्स की बजाय लेडीज को इसका स्ट्रेस डिफरेंट तरीके का हो रहा है. क्योंकि आदमी लोग बच्चे लोग सारे घर में हैं, स्कूल सारे बंद पड़े हैं, तो एक लेडी जो घर का काम भी करती है, वो बच्चों को भी देख रही है और घर के फाइनेंस मैटर को भी हैंडल कर रही है और भी सब कुछ वो हैंडल कर रही है, शी इज द रियल विक्टिम. मुझे ऐसा लगता है आदमियों से ज्यादा कहीं उसका ज्यादा इसमें परेशानी आ रही है उनको. तो ये जो आप मतलब आपने इस वक्त ये बहुत अच्छी सजेशन मैं इस आड़ में कहूंगी कि जितने लोग सुन रहे हैं, जो औरतें इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, जो कि हमेशा से ही होती हैं इस स्थिति में तो ज्यादा ही, सबके सब उनका हाथ बटाएं ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा वैसे ही अपने आप कम हो जाए. लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, इज देयर एनी वन मेडिसिन जो बहुत सेफली, क्योंकि अब डॉक्टर्स के पास जाना भी इतना आसान नहीं हुआ है, आप ऑनलाइन या फोन कंसल्टेशन करते हैं लेकिन बहुत बार वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑल द डॉक्टर्स आर सो बिजी डॉक्टर साहब. तो ऐसे में इमीडिएटली आपके घर के शेल्फ से या हमारे घर में हमें ऐसी कौन सी दवाई रखनी चाहिए जो बहुत सेफ टू हैव भी है और इमीडिएटली लोगों को आराम भी पहुंचा सकती है, दिमाग को शांत भी कर सकती है. बिल्कुल ठीक है. जब स्ट्रेस होता है सबसे पहले हमारी नर्व्स टेंस होती है, हमारा टेकीकार्डिया, हमारी हार्ट की बीट बढ़ जाती है, प्रेस्परेशन होती है, हमारा बिहेवियर, हमारी चलने का स्टाइल, हमारी सारी मसल्स और सारी बॉडी लैंग्वेज उसके घेरे में आ जाती है जी. तो इंडियन किचन में हमारे ऐसा बेसिक्स जो है हमारी किचन शेल्फ पे सब कुछ पड़ा है जी. तो हम वी कैन इमीडिएटली रीच आउट टू ऑल दोस थिंग्स. तो जब भी लोग पेट में गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की कंप्लेंट करते हैं स्ट्रेस के साथ, तो ऐसे केसेस में आप भुना हुआ जीरा उसे पानी के साथ आप ले सकते हैं. अच्छा. थोड़े से जीरे को लेकर तवे पे भून लें और जब ठंडा हो जाए मिक्सी में पीस के डिब्बी में डालकर रख लें. चुटकी भर जीरा को उससे पानी से पी लें तो इट मेक्स योर बॉडी लाइट. और दूसरी मेडिसिन है जो घर में तो नहीं है लेकिन हम इजिली अवेलेबल फ्रॉम पंसारी, दैट इज अश्वगंधा. अश्वगंधा इज विदानिया सोमनीफेरा, इज एज ओल्ड मेडिसिन जिसके लिए अब कोविड के लिए भी उसको काफी एक्सप्लोर किया जा रहा है. तो अश्वगंधा का 1-2 ग्राम आप पाउडर फॉर्म में उसको आप पानी से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं. अश्वगंधा तो मैंने खुद आजमाया अपने पेशेंट अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, इट इज मेडिसिन व्हिच यूजुअली फाइंड प्लेस हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टरों के. तो पेशेंट रोगी लगातार अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं. और हमारी जिन लोगों को नींद नहीं आती या ऐसे दिक्कत रहती है तो उसके लिए सिंपल मेडिसिन जायफल, जायफल हर घर में पड़ा होता है. आप जायफल को एक सिंपल अपने जो चकल है जिसपे आप रोटी हम बीनते हैं उस पर घिसकर, थोड़ा सा घिसकर उसे हम चटा सकते हैं पेशेंट को और उससे नींद भी ठीक आ जाती है और मल्टीपल उसके और बेनिफिट हैं. तो पुराने जमाने में मैंने देखा था कि माएं जो क्रैंकी चाइल्ड जो होते थे उनको जायफल चटा देती थी और बच्चा थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था या सो जाता था, उठ के बिल्कुल ठीक हो जाता था. तो ये हमारी इंडियन किचन शेल्फ, हम आयुर्वेद का पूरा जो फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट इलाज है वो तो हमारी किचन शेल्फ से शुरू हो जाता है जी. तो अगर आपको और ज्यादा स्ट्रेस है, मान लीजिए आपको, तो अनदर मेडिसिन जो हमारे घरों में आम पड़े शरबत पड़ा होता है, ब्रह्मी शरबत. ब्रह्मी जो है ये आपकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाती है, आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, आपको आपके माइंड बॉडी को इतनी ताकत देती है कि आप स्ट्रेस से आप लड़ सको. आप पुराने जमाने में जब गुरुकुलों में जब पुस्तकें नहीं लिखी गई थी तो ये प्रैक्टिस थी कि स्टूडेंट्स जो शिष्य उनको ब्रह्मी की चीजें दी जाती थी सो दैट उनका मेधा बुद्धि उनकी कुशाग्र और तीव्र रहे और हर चीज को वो झेल सके. ये हमारी परंपरा थी. हमारे ब्रह्मी का शरबत हमने तो सुना नहीं लेकिन अब हम मंगवाएंगे जरूर. इसके साथ ही जब कोई स्ट्रेस है तो और एक चीज है जिसे दैट इज आई विल से आंवला, आंवला जी इंडियन गूजबेरी जिसे बोलते हैं.
और देश के हर कोने में मिलता है। जब इसका मौसम आता है सर्दियों में तो यह फ्रेश मिल जाता है, नहीं तो सूखा हुआ पंसारी से मिलता है। अच्छा। और राजेश्वरी जी मैं ये कहूंगा कि व्हाट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, यस आमला इज टू द हर्ब्स। ओ ये हाँ, जो खनिजों में सोने की जो महिमा है जी, स्वर्ण की जो महिमा है, औषधियों में वही काम आंवला है, वही स्थान आंवले का है। ओके। तो आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले की सब्जी बन सकती है, ये आपके ऑल सिस्टम रूम हेड टू टो हर सिस्टम को रिफर्बिश कर देता है। इट्स हाई सोर्स, तो रेगुलर इसका सेवन करें। यस जी, विटामिन सी, मल्टीपल विटामिन सी कह के भी मुझे लगता है कि हम इससे पूरी जस्टिस नहीं होती, ये उससे कहीं बियॉन्ड है, उससे कहीं बियॉन्ड है। ये आयुर्वेद में सही जिसे एक लाइफ गिविंग जिसे ड्रग कहा जाता है, जो हमारे हर सिस्टम के लिए अच्छी जीवनीय औषधि कहा गया जिसे, वो आंवला है। तो आंवले का रेगुलर सेवन चाहे सब्जी में, चाहे किसी और तरीके में, मुरब्बे में, जैसे भी किसी को सूट करता है, तो उसका रेगुलर सेवन करें। और ये इसी तरह से गुडुची गिलोय जो है, गिलोय बहुत अच्छी एंटी स्ट्रेस है, कॉर्डिफोलिया, ये आम बेल लगी होती है, लोग जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसके स्टेम में से एक फिंगर जितना स्टेम को कूट कर पीस कर पानी निकाल कर उसको आप पी सकते हैं। गिलोय बहुत अच्छी है, जिस मौसम में फ्रेश ना मिले सूखी गिलोय लेकर पीस कर उसके 1-2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हो। तो गिलोय क्लींसेज योर बॉडी सिस्टम ऑल्सो, ये यूरिक एसिड भी बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा। जिन लोगों को पित्त गर्मी बढ़ जाती है उसकी बहुत अच्छी दवाई है, मल्टीपल बेनिफिट है इसके। तो अब इसका हम ये अंदाजा जो हम कह सकते हैं कि जब आप यू आर नॉट एबल टू रीच अ डॉक्टर, आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो गए, मैं सिर्फ इसको एक सार में निकाल करके ये बता रही हूँ ताकि जो बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं बीच में लोग, उनके लिए अच्छा होगा कि आपको अगर लगता है कि स्ट्रेस है तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि पहले तो अपने आपको एक रूटीन में जरूर बांधिए। रूटीन इज नॉट ऑलवेज सच अ बैड थिंग, वेन यू हैव अ रूटीन कि एक टाइम पे आप उठे हैं, एक टाइम पे आपको अपना काम करना है, जो आप एक गोल सेट करते हैं दिन के लिए, वो जब आप एक गोल पूरा करते हैं तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड दैट कीप्स योर माइंड फोकस्ड ऑन द जॉब, ऑन अनदर जॉब एट हैंड, विच इज वेरी हेल्पफुल। और आप प्लीज सब अच्छा खाएं, आपको कोई बाहर से कोई फैंसी चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपके किचन में ही आपके पास चीजें पड़ी होती हैं, वो सारे जो हर्ब्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज अपने खाने में आप डालेंगे तो यू विल नॉट रियलाइज इट नाउ but you will have had developed a healthy way of living, a healthy diet. Yes, ma'am. जो लोग ना stressful personalities होती हैं, कई कई by nature लोग बहुत stressful होते हैं, वो negative bulletin release करते रहते हैं हर वक्त, तो उनको मैं ये कहा करता हूँ कि अपने काम को prioritize करो। जो सुबह से शाम तक आप देखो आपने कौन सा काम पहले करना है, जो आप आसान काम है सबसे पहले कर लो, खत्म कर लो, so that you can cope with the difficult thing later on. अगर पहले डिफिकल्ट वर्क शुरू कर दिया तो आप लॉस्ट हो जाएंगे और बाकी के लिए आपको कुछ नहीं बचेगा जी। तो अपने आप को अपनी प्रायोरिटी सेट करो और रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, अपने रियलिस्टिक गोल ढूंढो जी। और अपने खाने में हेलो हाँ उसमें हाँ यस यार उसमें खाने में मैम सबसे पहले हाँ मैं बोल रहा हूँ खाने में सबसे पहले तो ये है कि लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल फूड लेना है आपने जी। जब भी आप स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया में दो लोगों को दवाई की जरूरत नहीं है, एक तो जिसने परहेज करना है उसने बीमार नहीं होना, उसको दवाई की जरूरत नहीं है जी। जिसने परहेज नहीं करना उसे भी जरूरत नहीं है, उसने ठीक नहीं होना। तो आपकी डाइट जो है ये रेगुलेटेड होनी चाहिए फॉर ए वाइल, कहीं आप एबिरेशन कर सकते हो कभी कभार वीकेंड पे या हो गया रेगुलर आप वो डाइट खाएं। आदमी को खुद समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज गुड और बैड फॉर हिम और हर, व्हाट सूट्स यू और नॉट सूट्स यू। तो सबसे पहले तो वो देखें, स्पाइसी चीजें ना खाएं, ज्यादा भारी तली चीजें ना खाएं। और जब भी आपको स्ट्रेस है, कुछ चीज आपके पास नहीं है, गो टू ओपन एयर, टेक डीप ब्रीदिंग, आप खुले स्पेस पे जाएं, लंबे सांस जहां जी। और डॉक्टर साहब इससे बड़ा रिलीफ होता है। हमारे सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है व्हाट्सएप की डॉक्टरी, है ना। तो जहां पर सब लोग ये कहते हैं कि भैया ये खा लो, किचन में लहसुन तो हम रोज ही खाते हैं, ये तो हम रोज ही खाते हैं, इससे क्या है, ये सुबह सुबह कच्चा भी खा लो, लेकिन लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि
घर की चीज है, नेचर की चीज है, जो भी ऑर्गेनिक है वो जरूरी नहीं कि आपको सूट करे. तो यू हैव टू ट्राई इन स्मॉल डोजेस. मैं उसके लिए छोटा सा सूत्र जो छोटा सा सूत्र आपको बता देता हूँ. ये नमिता शारदा दिल्ली से वो पूछ रही हैं ये बात को, उनका लिखा हुआ आ रहा था जी. तो जो लहसुन है ये बहुत अच्छी दवाई है बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हर चीज के लिए, सिस्टम में बहुत अच्छी है. और आयुर्वेद में तो इसको महाऔषधि कहा गया है, ग्रेट 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 मेडिसिन. लेकिन हर चीज के चेक एंड बैलेंस है, चाहे चीज हमारे घर में पड़ी हो. इवन वाटर कैन गिव यू बैड इफेक्ट्स इफ टेकन एट द रॉन्ग टाइम. लहसुन के बारे में बता दो, जितनी ये अच्छी दवाई है उतना ही इसका बैड यूज हो रहा है, लोग सही नहीं इस्तेमाल करते. तो लहसुन के लिए चेक एंड बैलेंस में ये है कि अगर आपने लहसुन इंडिकेटेड है, आप खाना चाहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या और किसी चीज के लिए आप लेना चाहते हैं, तो दो फाड़ियां लहसुन की, दो जो उसके फ्लेक्स लेकर उसको पील ऑफ कर लें, उसके ऊपर जो पतली झिल्ली होती है उसको उतार लें. फिर रात को उसको दही के जो मठा होता है ना, रायता जिसे हम बोलते हैं, मठा उसमें भिगो दें. उसमें उसके ऑस्मोटिक चेंजेस से ना उसका जो उग्र प्रभाव है वो काफी शांत हो जाता है. नहीं तो लहसुन के साथ उसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं, कई लोगों को पेट दर्द होती है, कईयों को माइग्रेन होता है, कईयों को ब्लिस्टर्स होते हैं. तो आई थिंक दैट इज द सॉफ्टेस्ट, सेफेस्ट एंड सॉफ्ट मोस्ट वे टू टेक लहसुन. उसको लहसुन से उसका शुद्धिकरण करके खाएं लहसुन को आप. डॉक्टर साहब हमको सवाल ले लें कि बहुत सारे सवाल आ गए हैं. हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर पे आएंगे. सोनल शाह पूछ रही हैं, इट इज सेड दैट एंजाइटी इज एन आउटकम ऑफ द सिचुएशंस इन लाइफ एंड आवर अप्रोच टुवर्ड्स देम, देन इन व्हाट वे कैन मेडिकेशन हेल्प, इज एंजाइटी दोषा रिलेटेड? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. एंग्जाइटी दोषा रिलेटेड होती है. जब एंग्जाइटी होती है तो बॉडी में वात प्रकृति जो है वो बाकी दोनों पे हावी हो जाती है, वात बॉडी की एक डिरेंज फॉर्म में हो जाती है. तो एंग्जाइटी भी उसी तरीके से है कि एंग्जाइटी के लिए पहले तो आप लाइफ को सहज भाव में जीना सीखिए. आप उस सहज भाव में जीने से आप एंग्जाइटी को विन कर सकते हो. आप प्रॉपर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में से कैसे निकलना उसका अभ्यास कीजिए आप, तो तब आप एंग्जाइटी को मीट कर सकते हो. हाँ, फॉर ए शॉर्ट टर्म के लिए एंग्जाइटी को अगर आपको मेडिसिन कहूँ तो अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है, मुलठी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी मेडिसिन है, योगा प्राणायाम, आप किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हो. और जब एंग्जाइटी का पैनिक अटैक आता है तब आप इमरजेंसी में आप कोई डॉक्टर से आप हेल्प कर सकते हो. जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं पिछले 1.5 सालों से बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन, मैं छोटे बच्चों की तो अलग बात है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो करियर के उस मोड पर आकर रुके हैं जहां उनको पता नहीं किस तरह से क्या होने वाला है. ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, इंटरनेशनल कॉलेजेस में है तो वक्त उनका बेवक्त पढ़ाई हो रही है, वहां पर अगर रात को दिन में स्कूल हो रहा है तो यहाँ को रात में पढ़ाई हो रही है. तो ये बच्चे जितना कुछ इस वक्त लेकर चल रहे हैं करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आई नो मेनी स्टूडेंट्स अराउंड मी जो इस वक्त पैनिक मोड में हैं लिटरली. मतलब उसके लिए पेरेंट्स अगर हम कह भी दें कि बेटा मेडिटेशन कर लो, थोड़ी सांस ले लो, तो वो नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि दे आर ऑल्सो टाइम बाउंड स्ट्रेस में है कि अभी मुझे ये भी खत्म करना, ये भी करना, और ये कैसे होगा, वो इतना पहाड़ हो गया है. वो स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें चलते चलते में, ताकि उनकी दिनचर्या पे भी कोई असर ना पड़े, और वो साथ साथ में ब्रेक्स लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स क्या खिला सकते हैं, इस पर प्लीज रोशनी डालें. बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, और मुझे लगता है कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इस चीज से दो चार ना हो इस जी. तो अगर पैनिक अटैक उठता है तो उसके लिए भी पहले अपने आप को स्लो डाउन, काम डाउन करें. ऐसा हमारी किचन में, हमारे घर में ऐसा बहुत कुछ है. मेरे बचपन में मैंने आपने देखा है जैसे पैनिक अटैक में पाँव को तले के नीचे घी या तेल की मालिश कर देते थे. okay. या सिर में मालिश कर देते थे, तो ऐसे हमारे ऑयल जो हमारे पास ठंडे जो तेल है घर में बहुत अवेलेबल होंगे किसी न किसी फॉर्म में, उसकी मसाज की जा सकती है. तो उसके साथ साथ जो आंवले का मुरब्बा और ऐसी चीजें दी जा सकती हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जा सकता है, बीच में ब्रेक ली जा सकती है. और दूसरा ये सोचना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि दिस टू शैल पास, ये एक टाइम के लिए ऐसी चीज आई है, ये भी निकल जाएगी, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा. हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड और ये भी निकल जाएगा.
तो पॉजिटिव उस पैनिक अटैक्स के लिए तो यही चीजें मैनेजमेंट के लिए मैं अपने पेशेंट्स को कहा करता हूँ कि आप बीच में ब्रेक दे लीजिए और किसी चीज का हवा ना क्रिएट करें, सहज भाव से इसी को लीजिए। आपने शायद किसी और भी एक हर्ब की बात की थी, मैं सबको बता दूं कि अगर डॉक्टर साहब के जो सुझाव हैं, उन्होंने किताब भी छापी है, हर्ब्स एंड हेल्थ एक बुक है, तो आप उस किताब को भी ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। खसखस की भी आप बात कर रहे थे उस दिन, खसखस मैम जी, हाँ राइट। खसखस जो है ना, खसखस एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्रेन को टॉनिक, ब्रेन के लिए टॉनिक है, माइंड बॉडी के लिए टॉनिक है, कफ को दूर करती है, जिनको फ्लैंग की जो प्रॉब्लम बलगम रिशा जिसे हम बोलते हैं वो रहती है, उसकी बड़ी बड़ी अच्छी दवाई है जी। और खसखस जो है ये हमारे बच्चों ने तो आम घरों में माए इस्तेमाल करती थी, बादाम के साथ खसखस का दूध बनाया जाता था, घी के साथ उसका तड़का लगाते हैं, जो टेस्टी ऑल्सो, और यूज टू गिव सोए साउंड स्लीप without any medicine, without anything, जिनको insomnia रहता, नींद आने की problem है, and irritability of mood also. Preferably रात में लेना चाहिए, सुबह लेना हो तो जैसे रात को आपने एक कप लिया, सुबह आप आधा कप ले सकते हैं। तो खसखस is poppy seeds, right? Poppy seeds, right? हाँ, तो ये किस मात्रा में लेना चाहिए? देखो मैम, डायरेक्ट जो चीजें खसखस आमतौर पर नहीं ली जाती जी। वो उसके लिए कई और चेक एंड बैलेंस हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ मेडिसिन में आती है। मैं ये कहूंगा कि सीधे तौर पर खसखस को ना लें। अच्छा। तो खसखस का जैसे आप परिवार में तीन चार लोगों के लिए आपने बनानी, तो एक चम्मच खसखस काफी है, आप उसे रगड़ के पानी में थोड़ा करके ट्रेन करके, हाँ एक चम्मच खसखस काफी है, इससे ज्यादा मत लें। ओके, ये एक शेड्यूल अलग में ड्रग आती है ये, तो घरों में इस्तेमाल होती है। तो चार लोगों के लिए एक चम्मच बहुत है, तो साथ बादाम को पील ऑफ करके, पानी में भिगो के पील ऑफ करके आप उनको दोनों को मिलाकर, हमारे देश में खसखस रखी जाती है, और देशों का हमें नहीं पता। नहीं, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस रेदर। यस, ओके, बट हमारी नानी दादी के वक्त पे इस्तेमाल किया जाता था, मुझे ये याद है। हाँ, मैंने तो अपने बच्चों ने पिया है, मेरी माम कभी मुझे कफ एंड कोल्ड होता था तो पिला देती थी, मैं बड़ा देर तक सोता रहता था। तो नींद सबसे बड़ा इलाज है वैसे। हाँ, नींद सबसे बड़ा इलाज है। भावना जी पूछ रही हैं, आई वांट टू नो इज इट एडवाइजेबल टू टेक फिटकड़ी का पानी? फिटकड़ी का पानी मैम ऐसे है, फिटकड़ी जो है ये एक स्ट्रिंजेंट जो है मेडिसिन कही जाती है, जो आपको स्ट्रिंजेंट जो करती है। तो एक मिनट, मैं पहले टॉपिक पे जाके खस और खसखस में फर्क निकाल रहा हूँ। खस चीज और है, खसखस हम बात कर रहे हैं खसखस, खस इज समथिंग एल्स। हाँ, खस इज समथिंग एल्स। तो अब मैं फिटकड़ी की बात करता हूँ। फिटकड़ी को आप सीधे यूज ना कीजिए कभी भी, फिटकड़ी को तवे पे, गर्म तवे पे रखकर उसकी फिल कर लीजिए, उसको फिटकड़ी का फूला बोलते हैं हम। फिटकड़ी को फूलती है, उबलती है, लिक्विफाई होके, फिर उसको पीस डिब्बी में डाल के रख लीजिए। डायरेक्ट फिटकड़ी इस्तेमाल मत करें आप, फिटकड़ी का एक उसकी पहले कंडीशनिंग करनी पड़ती है, फिटकड़ी की ऐसे सुहागें भी करनी पड़ती है। कफ में हम मिलती है, सुहागा मिला के चटाते हैं ना बच्चों को, तो एक्सपल्शन हो जाती है कफ की। तो इसलिए फिटकड़ी इज ए वंडरफुल मेडिसिन। फिटकड़ी को आप फूला करके उसका उसको पीस के रख लें, और सिंपल बुखार होने पर अगर आपको बॉडी एक हो रहा है तो आप 250 मिलीग्राम दो रत्ती जिसे हम बोलते हैं फिटकड़ी, आप थोड़ी चीनी ऊपर डाल के उसको फांक लीजिए, कोसा पानी या आप तुलसी वाली चाय पी लीजिए। तो मेरा अपना तजुर्बा है कि ये आपको पैरासिटामोल और जो भी आप और ट्रेड नेम बोल लीजिए मेडी, उससे कहीं ज्यादा फायदा करती है, एंड इट इज 200% सेफ। So, 200% सेफ। 2.5 मिलीग्राम फिटकड़ी तवे पे, उसको थोड़ा सा वो जो बबल्स आ जाए, पहले काफी वो इकट्ठा रख लो, पहले उसको इकट्ठा बना के रख लो, जैसे 100 ग्राम को बना के रख लिया आपने। अच्छा, फिर उसमें से 2.5 मिलीग्राम आपने लिया, और 250 मिलीग्राम दो रत्ती होती है, ये आती है जो तीन चुटकियों में आपके हाथ में आ जाए वो 250 मिलीग्राम हो जाती है अंदाजा। थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाए कोई नुकसान नहीं है। इट इज सेफेस्ट मेडिसिन है कफ एंड कोल्ड के लिए, और कोरोना पीरियड में भी ऐसी बहुत सी दवाइयां जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आता था, हम इसके गार्गल्स करने के लिए पेशेंट को देते थे, क्योंकि यूवेलाइटिस में गले में सोजिश और कफ इरिटेशन होती थी पेशेंट को, तो मैंने तो अपनी क्लिनिक फिटकड़ी किलो के हिसाब से यूज किया है इन दिनों। ओह, ये तो बहुत पता की बात बताई आपने डॉक्टर साहब।
Surbhi Kaushal puch rahi hai, Brahmi is hydrocotyl. Is that how it's said? I don't know. Brahmi is hydrocotyl? जल ब्रह्मी कहते उसको लेते हैं तो पंसारी से आम मिल जाती है वो, इजीली अवेलेबल. एक सवाल और आया है कि बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हार्ट, व्हाट इज गुड हार्ट? गुड हार्ट योर गुड पार्टनर. सॉरी, योर गुड पार्टनर. योर गुड पार्टनर, यस. ओके, तो अगर हम हर्ष की बात करें तो हर्ष ने अर्जुन जिसे हम जिसका बोटानिकल नेम टर्मिनल या अर्जुना है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो ट्री आम पाया जाता है, उसको आप किसी भी सियाने या माली से पूछकर आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो अर्जुन की जो छाल है उसकी जो ट्री की बार्क जिसे बोलते हैं स्किन, आउटर स्किन है, उसे आप पील ऑफ कर सकते हैं किसी चीज से. तो पील ऑफ करके उसे सुखा के रख लीजिए, सुखाने के बाद उसे पीस लीजिए. तो एक ग्राम सिंपल, एक ग्राम आप अर्जुन की जो छाल है सुखाई हुई, उसका पाउडर किया हुआ है, आप चाय में डाल के रेगुलर पी सकते हो. उसमें मुलट्टी डाल सकते हो, तुलसी डाल सकते हो, उसमें तेज पत्ता डाल सकते हो, उसमें आप घर में और जो जावित्री डाल सकते हो. तो ये सारी चीजें बेसिकली अर्जुन स्ट्रेंथन द हार्ट मसल्स, ये क्लॉटिंग को रोकता है. और एक और चीज जो है जो उसकी मैं अभी यहाँ जिक्र करना मैं यूरी समझूंगा कि काली मिर्च फाइपर नाइग्रम has quality to open up your channels, block channel. Okay. तो regular जिन लोगों को काली मिर्च सूट करती है वो काली मिर्च का regular सेवन कर सकते हैं. ये obstructions body में नहीं हुए. आज की बात की तो इसलिए मैंने एक passing reference. We have some questions which say we want to know in English also. Yes, we will also add these bits again and again. I'm repeating them for you. मुझे सिर्फ ये काली मिर्च का जो आपने एक बोटानिकल नाम लिया वो मैं भूल गई हूँ. ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, यस. भावना सेज वी आर टेकिंग व्हीट ग्रास, इज दैट गुड? व्हीट ग्रास इज गुड. व्हीट ग्रास इज मेडिसिन विच दो एज सच हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन आयुर्वेदा. But we are open to anything which is in the Vogue. हम उसके ऊपर देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या चीज मेंशन है. Wheatgrass is a good medicine. It has antioxidant properties. It is good for kidney. It is good for cancer patients. Even diabetic patients, and it enhances the immunity. So there is someone who's asking, what is the Ayurvedic remedy for kidney stone? Well, oh, kidney stone. First of all, take plenty of water. Get plenty of water. Your whole system should be flushed. It should be, there is supplements in the body. And another medicine is barley, jaw. हमारे घर में आम होते हैं, जौ, जौ का पानी पी सकते हैं, जौ के सत्तू ले सकते हैं, जौ के. तो होम रेमेडी के तौर पर मैं इतनी बात बता सकता हूँ. यवक्षार आता है बाजार में, लेकिन वो सोडा बाई कार्ब के थोड़ा सा साथ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देना पड़ता है. अदरवाइज जो जौ है ये बेस्ट डायरेटिक है, बेस्ट डायरेटिक है. एक अनदर हर्ब इज देयर दैट इज कॉल्ड गोखरू, उसे पखड़ा बोलते हैं पंजाबी में, ट्रिपल ट्रस्टिस उसका लैटिन नेम है. दैट इज आल्सो गिवन 1 to 2 gram डेली. तो दैट इज नोन एज स्टोन ब्रेकर, दैट इज नोन एज स्टोन ब्रेकर. ओके, इट इज ऑल इन ऑल आयुर्वेदिक गुड मेडिसिंस जो स्टोन के लिए आती हैं उसमें ये दोनों चीजें पड़ती हैं. डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड विद, वी हैव आंसर्ड क्वाइट अ फ्यू क्वेरीज. There is one question which brings us back to the topic, and that's, is there a connection between stress, anxiety and the lowering of oxygen levels in the body? Yes, ma'am. When you are stressed, your breathing is disturbed, your heartbeat is enhanced, demand of body increases. When your heart is running fast and your breathing is fast, body's metabolism is enhanced. तो उसके लिए ऑक्सीजन तो घटती ही है. जब टोटल आपका मेटाबॉलिज्म आपका डिप्लीटिंग मोड पे आ जाता है, तो एंजाइटी स्ट्रेस जो है ना केवल आपको उस वक्त ये कठिनाई देती है, लॉन्ग टर्म में दिस इज ए बैड फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो.
This is not good for, it should not be there. Your anxiety, depression, you have to long term immunity to prevent that. Dr. Saab, I'm just going through a few more questions. There are some questions that have already been answered, but there's one question which I don't know if, is there a prevention, a preventive medicine for COVID? I wish it could be, at the moment, mask is the best, social distancing and the vaccination. ये बेस्ट है, बस उसमें पैनिक ना फैलाइए, बस यही इसकी सबसे बड़ी इलाज है. तो घर में आप अपनी इम्यूनिटी के लिए रेज करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो हमने पहले बात की है, गिलोय है हमारे पास, तुलसी है हमारे पास, जो हल्दी है हमारे पास, देयर आर मेनी थिंग्स. बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियों ने दवाइयां निकाल ली है उसके लिए, तो आप उनको किसी को यूज कर सकते हो. नाक को रेगुलर नाक में तेल लगाए या और पानी तेल लगाए आप. ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि नाक में तेल लगाएं और कानों में बस उंगली से हल्का तेल घुमाकर रोज घर से निकलते वक्त लगाएं तो काफी देर तक वायरसेस को आप वहीं पे रोक लेते हैं. रोक सकते हैं. इट हैज बीन अ प्रैक्टिस हमारे अवर एल्डर्स बट डूइंग इट. यस, सो एनी ऑयल इज पॉसिबल, एनी ऑयल मतलब एनी दैट कैन यू कैन इजीली टेक. देखो अगर कोई नाक में लगाना, मैं अपने पेशेंट को कहता हूं देसी घी इज द बेस्ट फॉर दैट. देसी घी, अच्छा, देसी घी इज द बेस्ट फॉर दैट. देसी घी नाक में लगाएं, अगर जो जिनको क्रॉनिक साइनस रहता है माइग्रेन रहता है, मैं तो देसी घी के स्वादों को देता हूँ, मेरे और कुलीग भी देते हैं सब. तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अपने आप. और जो आपके नाक में डस्ट और बाकी भी जो एक्जुबेट है उसको ये बेटर क्लीन कर देता है. ये नेजल इनर म्यूकोजा का एक कंडीशनर है, यू कैन से लाइक दैट. एक और सवाल है, सुरभि पूछ रही है कि अमृत धारा कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ट्रीटिंग मेनी डिजीजेस. अमृत धारा, यस मैम, यस. मुझे इनका क्वेश्चन सुनकर इसलिए खुशी हुई है कि अमृत धारा पार्टीशन से पहले देश में कोई ऐसी दुकान, ऐसा घर, ऐसी कोई और चीज होती जहां अमृत धारा की शीशी नहीं होती. अमृत धारा पंडित ठाकुर दत्त मुल्तानी जी ने इन्वेंट की थी लाहौर में. तो इतना इतनी ज्यादा दिखती थी कि स्पेशल पोस्ट ऑफिस, अमृत धारा पोस्ट ऑफिस बनाया गया उसके लिए, उनको बाजार भेजने के लिए. देयर इज अमृत धारा पोस्ट ऑफिस इन वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर. आई हैव सीन दैट प्लेस, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर में पर गया था. आई हैव सीन दैट प्लेस. तो अमृत धारा में तीन चीजें पड़ती हैं, एक्सट्रैक्ट पुदीना, एक्सट्रैक्ट अजवाइन और कैम्फर. भीमसेन कैम्फर जो होता है वो पड़ती है. ये एंटी स्पाज्मोडिक है, एंटी कफ एंड कोल्ड है, बॉडी को दूर करता है. जो लोग खुद अमृत धारा को बना सकते हैं घर में, वो इन चीजों में मिलाकर लिक्विफाई हो जाती है अपने हवा में रखने से. तो उसको ड्रॉप्स में डालकर दो तीन बार दिन में ले लो तो आपके दर्द कोलिक उसमें बड़ा अच्छा आराम आता है. स्ट्रेस में एक और जो एक इशू है जो हम आपने कहा स्ट्रेस में लोगों को हेडेक भी होता है, माइग्रेन एक बहुत बड़ा इशू है. और विभा पूछ रही है प्लीज गिव सम सजेशंस फॉर माइग्रेन. यस मैडम, माइग्रेन जो है, जो उसमें आयुर्वेद में इसको अर्धा हेड कहा गया है, जो हाफ आपके पोर्शन में होता है, हेड के एक पर्टिकुलर सेक्शन में होता है. माइग्रेन वाले जो लोग हैं ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन वैसे कुदरती तौर पर होते हैं, आइदर टीचर्स होते हैं या और परफेक्शनिस्ट लाइफ में एटीट्यूड वाले लोग होते हैं. तो इनको कई फ्रंट के ऊपर डील करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सी व्हाट ट्रिगर्स देम एंड लैंड्स देम इनटू माइग्रेन अटैक. तो उस जो पॉजिटिव फैक्टर से दूर रहना. दवाइयां ऐसी पड़ी है, इवन सिंपल जो धनिया है, सूखा धनिया, हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया, सूखा धनिया को आप पीसकर एक ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट उसको फांक लें और कोसा पानी पी लें. अच्छा, तो पूरे पूरे दिन के लिए आपको माइग्रेन के अटैक से इंश्योरेंस आपको कर सकता है. अगर अटैक होगा तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी. ये हम मॉर्निंग सिकनेस में जो प्रेग्नेंट वुमन को उनको भी देते हैं और माइग्रेन के पेशेंट को भी हम देते हैं. बजाय के यू पॉपिंग अप पिल्स एंड टेकिंग ट्रैंकलाइजर्स और देन रिमेनिंग शट इन द रूम, आप इसे करके देखिए, बड़ी सिंपल मेडिसिन है. एक और सवाल है, मेध, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, मेध्य रसायन औषधियां स्ट्रेस मैनेज करने में कितना काम करती हैं कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन. हाँ, ये मेरे किसी आयुर्वेदिक कोलीग का क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मेध्य रसायन जो है ये ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ अंकित कुमार अरविंद. हाँ, जिसमें चार जो औषधियां उन्होंने जो कही गई हैं, लोए मुलुपर्णी और जो शंख पुष्पी और अश्वगंधा,
तो ये चारों की चारों दवाइयां ना हम सारे सभी लोग जो सीनियर आयुर्वेद फिजिशियन हैं और जो हमारे कलीग्स और सब जगह हैं हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में और दे गिव रियली गुड इफेक्ट वेरी गुड इफेक्ट फॉरमोस्ट अश्वगंधा शंख पुष्पी ये तो नर्व्स के लिए अश्वगंधा तो कहते हैं विदानिया सोमनीफेरा सोमनीफेरा का मतलब है जो नींद लाने में आपकी आपको रिलैक्स करने आपकी हेल्प करेगी तो ये चारों मेडिसिन बड़ी उच्च कोटि की मेडिसिन है मुझे भी ध्यान इस चीज के लिए कि मॉडर्न मेडिसिन ने आज तक इसका फायदा क्यों नहीं उठाया नहीं तो आज तक तो हमारी सारी दवाइयां पेटेंटिंग और जगह हो गए उनके टाइम विल कम वो ले जाएंगे डॉक्टर साहब ये जो जितनी सारी हमने दवाइयां बात की है जितने सारे हमने स्ट्रेस फैक्टर्स को एड्रेस किया हम सब जानते हैं कि जितना स्ट्रेस हम लेंगे हम चाहे जितनी भी हम ऑफकोर्स अभी आपने बहुत कुछ हमें सजेशंस दी हैं कि हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं लेकिन इस सब के बावजूद ये जो स्ट्रेस है ये हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर गया है तो आप इस पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह से हमारी इम्यूनिटी अफेक्टेड है इस वक्त और किस तरह से हम अपनी पॉजिटिविटी से और अपना अपना ख्याल रख के इन चीजों को दूर रख सकते हैं बिल्कुल सबसे बढ़िया मैम ये है कि जो जो इम्यूनिटी वर्ड है जो इसकी जो परिभाषा वो तो यही है कि आपके अंदर एक नेचुरल बॉडी में एक पावर होती है एक ऐसा इंस्टिंक्ट ऐसा होता है कि जो आपको डे टू डे बीमारी से बचाती है क्योंकि हमारे वातावरण में तो बहुत से कीटाणु बहुत से वायरस घूम रहे हैं वी इनहेल देम वी दे गो इनसाइड अवर बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑल्सो बट ऑल ऑफ पीपल डोंट फॉल सिक They have a natural immunity in their body to counter all the extraneous things which are going in our body. So, एक तो वो natural immunity होगी उसके बाद फिर एक immunity वो होती है जैसे हमको एक बार बचपन में कोई injection या एक बार disease होगी तो दोबारा नहीं करनी होती measles है एक बार हो गए तो दोबारा नहीं होते ऐसे mumps हैं small pox chicken pox हैं दोबारा नहीं होती Then comes acquired immunity. Right. जो जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है जो हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं जैसे अभी हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन के लिए तैयार हो रही है लेकिन हम लोग बहुत आगे तैयार की हमने तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जैसे टीबी के लिए बीसीजी का इंजेक्शन लगवाते हैं दैट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेकिन बेस्ट इम्यूनिटी तो वही मानी जाती है जो नेचुरल इम्यूनिटी आपके अंदर है और स्ट्रेस तो जब आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है आपके एक माइन्यूट बॉडी के सेल तक उसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है तो नेचुरली इम्यूनिटी पे भी उसका इफेक्ट जाएगा जो स्ट्रेस लोग हैं व्हाई ओनली दे फॉल फ्रीक्वेंट इन उनको उनको एक्सप्लोर करके देखिए उनकी बात सुन के देखिए प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेके देखिए तो उसके बीच में स्ट्रेस दूर निकलता है साथ उसको तो स्ट्रेस तो इम्यूनिटी को लो करता है इससे पहले का तो स्ट्रेस को बचो स्ट्रेस से बचिए आप स्ट्रेस से बचिए सिंपल फूड खाइए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए अपना थॉट प्रोसेस अपना चिंतन अपना पॉजिटिव रखिए और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और सिंपल साफ सुथरी चीजें खाइए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए एनी पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर इम्यूनिटी दैट यू विल सजेस्ट देखिए इम्यूनिटी के लिए बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बाजार में सिंगल हर्ब्स के नाम पे भी अवेलेबल हैं और जो पेटेंट मेडिसिन भी बनाई हैं तो मैं पिछले 45 साल 46 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि चरक इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी और आयुर्वेद में तो एक फ्लैगशिप कंपनी है हर कंपनी ने अपने हिसाब से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से बात करके हेल्प करके उन्होंने दवाइयां निकाली हैं तो चरक वालों ने कोफोन इम्यूनिटी टेबलेट्स उसके लिए बनाई है जी। जो मैं भी लिख रहा हूँ मेरे और जो विद्वान कुलीग हैं वो भी इसको लिख रहे हैं इट इज अ वंडरफुल मेडिसिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ रैशनल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू इट कम्स त्रिफला गुगुल त्रिफला अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है त्रिफला हर हर्ड बेड़ा आंवला और गुगुल जो है इटसेल्फ रसायन मानी गई है रसायन का मतलब वो है कि रसायन तद गेयम जरा व्याधि विनाशनम एनी हर्ब विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज एंड ऑल्सो कीप यू अवे फ्रॉम प्री मेच्योर ओल्ड एज तो ये उस कैटेगरी में दवाई आती हैं तो ऐसे गिलोय है ऐसे हल्दी है हल्दी के गुणों के बारे में वो कौन नहीं जानता हल्दी एंटी कोलेस्ट्रोल है एंटी इंफ्लेमेटरी है एंटी एजिंग है उसका बाहर इस्तेमाल करना स्किन के ऊपर इंटरनल उसको लेना जैसे दूध में हल्दी लेनी एलर्जी के लिए बहुत अच्छी है इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स उसी तरीके उसमें पड़ती है मंजिस्टा रूबिया कॉर्डिफोलिया मजीद जिसे आम भाषा में बोलते हैं हम चित्रक है शुंठी शुंठी इज कॉल्ड यूनिवर्सल मेडिसिन जिंजर
universal medicine. It helps in your digestion from starting to the end. और टिपली पाइपर लॉन्गम जो चेस्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छी है. कोरोना में सबसे पहले चेस्ट की इफेक्ट होती है, तो मरीज जिसकी मैंने अभी पाइपर नाइग्रम की बात की थी, ब्लैक पेपर की बात की थी, तो ये सब होल प्लस इम्यूनिटी टेबलेट में पड़ती है सारी. तो इनको इंडिविजुअली भी यूज किया जा सकता है. आप रेडीमेड टेबलेट को भी सुबह 1 or 2 एक या दो की मात्रा में आप गोलियां रेगुलर खा सकते हैं, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी कोई इसका ज्यादा उसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है ऐसा. तो वुड यू रेकमेंड जो आपने जितनी सारी औषधियां बताई हैं जो मिल बांट के कोई जो आपको फॉल जो टैबलेट है, वुड यू रेकमेंड दैट? डज इट हैव ऑल ऑफ दीज? बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड इट इज हेल्प्ड, डेफिनेटली हेल्प्ड. रेदर मैम, ये कोरोना के साथ साथ मैं इस गोली को बच्चों में दिया है जैसे इनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, रिकरेंट बच्चों की ग्रोथ की प्रॉब्लम है, तब भी हम इसको लिखते हैं. तो मल्टीपल इस लेवल पे इसके बेनिफिट हैं, इसके एडल्ट्स में भी हम इसको देते हैं. मैं जो आफ्टर डिलीवरी जो लेडीज हैं उनको भी देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. तो माँ अगर स्वस्थ रहेगी बच्चा स्वस्थ रहेगा. तो हर डिमेंशन के ओल्ड एज में जो सेनाइल पेशेंट हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उनको हम देते हैं. मल्टीपल बेनिफिट है, तो अच्छी दवाई है. और आप एक गोली सुबह शाम किसी भी वक्त टाइम अपने कन्वीनियंस आप उसको ले सकते हैं. सभी चीजें इसमें हर लेवल के ऊपर है आपका, आपको जो आपके डाइजेशन लेवल के ऊपर, आपके ब्लड फॉर्मिंग लेवल के ऊपर, आपके बोन्स के लिए, आपके बोन मैरो के लिए, आपके हर चीज का जो बॉडी टिश्यूज है उसका अच्छा प्रभाव है. डॉक्टर साहब, इससे पहले की राउंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, हम एक बार और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल हो जो एड्रेस कर सकें. जितने लोगों ने हमारी तारीफ की है उसके लिए शुक्रिया. ईस्ट और वेस्ट, राज इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच. मैम आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी. मैं भी अपने घर में जब बताया तो मैं अपने घर में माई वाइफ और जस्ट स्टार्टेड थैंक यू सो मच. इनफैक्ट एक किसी ने सवाल पूछा, 2-3 लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी और ने जवाब दिया लुधियाना में प्रैक्टिस करते हैं. जी हाँ, इनका हॉस्पिटल लुधियाना में. मैं लुधियाना में और संजीवनी आयुर्वेदशाला के नाम से मेरा क्लिनिक है, संजीवनी आयुर्वेदशाला. और मैं पिछले 40 साल से मेरे पे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रही है, मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद जिन्होंने आयुर्वेद को लिखा और आम जनता को बांटा, वो सब हमारी कुल परंपरा रही है. तो सब ऋषियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका आभारी हूँ. हम आपके आभारी हैं डॉक्टर साहब की आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़े. थैंक यू मैम. इट इज यूनिवर्सल नॉलेज, आयुर्वेद इज यूनिवर्सल नॉलेज. तो ये चरक सुश्रुत ने भी और बाकी ऋषि ने भी सारी दुनिया को ये ज्ञान बांटा है. तो हमारा मेन एम यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम च. इसमें ये है कि जो बीमार आदमी है उसकी तो रोग हमने दूर कर रहे हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी मैन. हमारा प्रिवेंटिव रोल भी उतना ही है जितना हमारा क्यूरेटिव रोल है. जी, और जितने लोग हैं जिनके सवाल हम नहीं आज ले पाए, यू कैन राइट टू द डॉक्टर्स एट चरक फार्मा, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. एंड जाते जाते डॉक्टर साहब, एनी फाइनल वर्ड दैट यू वुड लाइक टू से? मेरा फाइनल वर्ड लोगों के लिए ये है कि देखिए आज के युग में ये मॉडर्न लाइफ जो हमको सब कुछ काम धाम सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ जिंदगी हमारे साथ चलता है, तो मैं अपने पेशेंट को यही तो पहले भी बात की 3 चीजें कहता हूं कि आप ईट राइट, डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड कीप योर चिंतन, अपना थॉट प्रोसेस को अपने को ठीक रखें. क्योंकि आजकल जो भेड़ चाल में जो हो रहा है, आप रैट रेस से बाहर निकल के जिंदगी को देखते हैं, अपने सहज भाव में आकर अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें. अनअचीवेबल गोल्स की बात ना करें, रियलिस्टिक होकर बात करें. तो प्रॉपर लाइफस्टाइल उसमें आ जाए, सारा कुछ आ जाता है, एक जीवन का दर्शन पूरा, एक फिलोसफी ऑफ लाइफ उसमें प्रॉपर आ जाता है. तो हंसे, खूब हंसे, अच्छे आप मित्र बनाएं, पॉजिटिव रहें दिन भर. और आप कभी आप मैडम रजिश्री का उनका रेगुलर शो देखें, आप वो एक पॉजिटिव लेडी. तो मैं अभी 2-3 के कॉन्टेक्ट में आया हूँ, गुड बाई. तो आप पॉजिटिव लोगों से मिले. आप नेगेटिविटी जो ऐसी है, ये नेगेटिव आदमी को आप आधा घंटा मिल लीजिए तो 2 दिन आप बैठे सेट नहीं हो सकते, तो क्या फायदा इस चीज का. पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहिए जो आपको हंसाएं आपके साथ, जिंदगी की अच्छी बातें आपके साथ करें, म्यूजिक सुनिए, बुक रीडिंग कीजिए, लाइफ के और जो एस्पेक्ट है उनको एक्सप्लोर कीजिए. चाहे आप रिटायर्ड भी हैं, देन यू आर स्टार्टिंग सेकंड इनिंग्स,
उसमें रिटायर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में होकर बैठते हो, आप नया शौक पालिए, म्यूजिक सीख सकते हो, हारमोनियम सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप अपने. That should be the approach, that should be the spirit. Thank you so much, Dr. Sahab. Thank you everyone who has joined in. जाते जाते आजकल एक ही चीज बार बार सबको याद दिलाना जरूरी है कि अपना ख्याल रखें. प्लीज स्टे मास्क, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, जहां अवॉइड हो सके प्लीज मत जाइए. इवन इफ यू आर नॉट इन लॉकडाउन इन योर प्लेस, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू, योर नियर एंड डियर वंस. वी नीड टू ऑल स्टे टुगेदर एंड स्टे प्रोटेक्टेड. गॉड ब्लेस अस ऑल एंड लेट्स गेट थ्रू विद दिस दीस टाइम्स very quickly and very fast and very safely. Thank you so much, Dr. Sahab. Thank you. And the same here. So, main bhi yahi wish karta hu apne doston ke liye. Bahut bahut dhanyawad. It was nice to talk to you. And I enjoyed it. So much, Dr. Sahab. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.